नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जेके एरोटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जी हां दोस्तों, कल मंगलवार के दिन जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का Q1 रिजल्ट 2020 का डिक्लेयर हुआ, जिसमें इस बैंक को जो है 21% का मुनाफा हुआ। जी हां दोस्तों, इसके मुनाफे में जो है 21% की बढ़ोतरी हुई, यानी 21% की जो बढ़ोतरी हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट में, वो कितने रुपये की हुई, इसके बारे में इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए जेके एरोटेक में और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि अभी तक आप लोगों ने जेके एरोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके जेके एरोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो Q1 रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें इस बैंक को 21% की नेट प्रॉफिट हुई, यानी कि तकरीबन 147 करोड़ का फायदा जो है इस बैंक को हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसके मुनाफे में जो नेट प्रॉफिट है उसमें 21% की बढ़ोतरी हुई, यानी 147 करोड़ का मुनाफा इस बैंक को हुआ, ठीक है। 147 करोड़ का मुनाफा जो है इस बैंक को जो है हुआ। लेकिन इसके पहले इसी साल जो है इस 2019 में इसका जो Q1 रिजल्ट हुआ डिक्लेयर होता, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो है 121.61 करोड़ का फायदा हुआ। यदि बात की जाए इसकी 52 वीक लो प्राइस की, तो ₹10.10 इसका 52 वीक का लो प्राइस है, ₹25.50 इसका जो 52 वीक का हाई प्राइस है। यदि बात की जाए मंगलवार की ट्रेडिंग की सेशन की, तो मंगलवार के दिन ये शेयर ₹18 से ओपन हुआ, ₹19 का इसने हाई बनाया, ₹17.85 इसका लो रहा, और सोमवार की इसकी क्लोजिंग यानी मंगलवार से पहले की इसकी क्लोजिंग ₹17.85 पे हुई। लेकिन मंगलवार के दिन ये ₹18.10 पे क्लोज हुआ, यानी टोटल इसमें 1.40% की बढ़त देखने को मिली, यानी 25 पैसे की बढ़त जो है इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में देखने को मिली। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है एक बहुत ही बढ़िया बैंक है और एक गवर्नमेंट बैंक है और इंडिया का सबसे पुराना बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें काफ़ी शेयर होल्डर्स और काफ़ी खाताधारक जो है इसमें अपना खाता खुलवाए हैं। तो इसके बाद जो है मैं इसके आपके सामने एक डेटा रखना चाहूँगा, इसके डिलीवरी बेसिस में कितनी डिलीवरी उठाई गई। देखिए, मंगलवार के दिन 64,31,144 की संख्या में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है क्वांटिटी ट्रेड की गई, जिसमें 20,17,216 की संख्या में डिलीवरी उठाई गई, यानी तकरीबन 31.37% के करीब में जो है डिलीवरी उठाई गई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में। तो आप समझ ही गए होंगे कि इतनी बड़ी डिलीवरी, 31% से ऊपर की डिलीवरी एक बहुत बड़ी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इसमें यदि आपने अपने शेयर को होल्ड बाय करके होल्ड करके रखा है, तो होल्ड कीजिए। ये शेयर जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक ब्रांड है, ठीक है, और ये भारत का सबसे पुराना बैंक है, ठीक है, और ये लगातार 2 साल से जो है अब मुनाफे में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये आने वाले टाइम में भी आपको अच्छा रिटर्न बना के जरूर देगा। नीचे कमेंट कीजिए कि आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कितने प्राइस में बाय करके होल्ड करके रखा है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।